वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। आज का लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, परीक्षा मंथन लक्ष्य स्पेशल वार्षिकांक ईयर बुक 2021-2021 का जो है ईयर बुक 2021 उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आज का हमारा जो सेशन होगा करेंट अफेयर्स पेनोरोमा, ये अपडेटेड है, न्यू है, परीक्षा मंथन लक्ष्य स्पेशल की वार्षिकांक ईयर बुक है जिसमें कि पूरे साल यानी अगस्त 2021 तक अद्यतन है और जो इसकी आएगी अपडेट तो उसमें ऐड किया जाएगा। तो ये रामबन साबित होने वाली है आने वाली एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन है खास करके बीपीएससी 67 के लिए। एकदम इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, मिस न करें एक भी स्टेप को और बने रहें शुरू से लेके अंत तक, आरंभ से अंत तक बने रहें, स्टार्ट से एंड तक देखें। और इस चैनल पे जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है उन छात्र छात्राओं के लिए जो रूरल इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास पठन पाठन की सामग्री प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाती है। मेरे इस चैनल पे जो भी छात्र छात्राएं उनसे भी विनती है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने सर्कल में ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलिए हम सब मिलकर कोशिश करें ताकि सभी की लाइफ सफल हो, अपने सभी एग्जामिनेशन में सफल हो, जीवन में कामयाब हो। इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है बुकर लिस्ट नॉमिनेशन ऑफ बुकर। देखिए बुकर लिस्ट नॉमिनेशन 2021 में दक्षिण एशिया के दो लेखकों को नॉमिनेशन मिला है। इस श्रेणी में ब्रिटिश भारतीय लेखक संजीव सहोटा को चाइना रूम के लिए याद रखिएगा, जबकि श्रीलंकाई लेखक अनुक अरुद प्रेगजम को अपैसेज नॉर्थ को नॉमिनेशन मिला है। ये दोनों उपन्यास अप्रवासन पर आधारित है समझ जाइएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं सिमोन बार योकाई एक्चुअली में इजराइल में यहूदी तीर्थ एवं दूसरी शताब्दी के ऋषि सिमोन बार योकाई के सबसे प्रतिष्ठित मकबरे पर भगदड़ मच गई थी क्योंकि कोविड-19 के कारण 10,000 लोगों को साइट पर इकट्ठा होने के अधिकृत किया गया था, लेकिन वहां पे कितना 30,000 से अधिक लोग साइट पर पहुंच गए जिससे क्या हो गई, भगदड़ मच गई थी। सिमोन बार योकाई एक्चुअली में है क्या, वो रब्बी अकीवा के सबसे प्रख्यात शिष्यों में एक थे। वे जौहर के लेखक के रूप में माने जाते थे जो यहूदी रहस्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्लियर है, अब आइए हम देखते हैं वीएस गायतोंडे की पेंटिंग 11 मार्च 2021 को 1961 की ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग में एक नीलामी में भारतीय कला के काम के लिए प्राप्त उच्चतम मूल्य का नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 39.98 करोड़ में बिका है, $5.5 मिलियन में। तो आइए क्या है, वासुदेव एस गायतोंडे का जन्म 1924 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका मानना था कि अमूर्त कला जैसी कोई चीज नहीं होती। वर्ष 2001 में उनका निधन हो गया। वह एक्चुअली में जैन दर्शन के आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित थे, जुड़े हुए थे। और विदित हो कि 11 मार्च 2021 को यह पेंटिंग सैफर्न आर्ट स्प्रिंग लाइव नीलामी में 39.98 करोड़ रुपए डॉलर की बात करें तो $5.5 मिलियन में बिकी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारा चीज। अब आइए रूपसी हवाई अड्डा एक्चुअली असम में है। असम में एक हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था कब, तो असम में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रूपसी हवाई अड्डा निर्माण किया गया था, लेकिन 1984 से यह क्या है बंद पड़ा था। फिर से 8 मई 2021 को फ्लाई बिग एयरलाइंस की वाणिज्यिक उड़ान के उतरने के साथ यह क्या हो गया है, चालू हो गया है। मोटा मोटी आप समझिए क्या कि 5 मई 2021 से इस एयरलाइन ने हवाई अड्डे पर अपनी उड़ान का सफल परीक्षण किया था 5 मई 2021 को। ओके है, क्लियर है। भारत सरकार के RCS उड़ान कार्यक्रम के तहत नियमित उड़ान सेवाएं शुरू की गई। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने परियोजना के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी।
हवाई अड्डा 337 एकड़ में फैला है और रनवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इसका निर्माण बताइए थे आगे भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्रों देश की सेना को हथियार जनशक्ति और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा गोला बारूद की आपूर्ति के लिए किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अमेरिकी वायुसेना ने चीन बर्मा भारत थिएटर में इसका इस्तेमाल किया था। क्लियर है। अब आइए श्रावणी नंदा कौन है? श्रावणी नंदा 2021 की सबसे तेज भारतीय महिला एथलीट बनकर उभरी है 2021 में। श्रावणी नंदा उड़ीसा की हैं, ये 30 वर्ष की एथलीट हैं। 5 जून 2021 को अमेरिका के फ्लोरिडा में नेकेक न्यू लाइफ इनविटेशनल मीट में दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ दौड़ते हुए व्यक्तिगत में सर्वश्रेष्ठ 11.37 सेकेंड का प्रदर्शन किया। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जो है वो कौन है? जी ओना चाना। क्या था? दुनिया के सबसे बड़े परिवार के संरक्षक के रूप में मशहूर जी ओना चना का 13 जून 2021 को मिजोरम में निधन हो गया। कब हुआ? 13 जून, याद रखिएगा 13 जून किसका निधन हुआ? जी ओना चना का। और ये क्या थे? दुनिया के सबसे बड़े परिवार के संरक्षक के रूप में मशहूर थे। और कहां पे निधन हुआ 13 जून को? तो 13 जून 2021 को तो मिजोरम में निधन हुआ। आइए इसकी मुख्य बिंदु को देख लें। वह दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे जो चुआंथर रन न्यू जेनरेशन हाउस में रहते थे। राज्य की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट पर भी इनका उल्लेख किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। परिवार के अधिकांश सदस्य अत्यधिक कुशल कारीगर हैं जिनमें बढ़ई बर्तन बनाने वाले अन्य शामिल हैं और यही इनके परिवार का मुख्य आय का स्रोत भी है। जियोना नामक एक संप्रदाय जियोना चाना के नेतृत्व में आकार में लगभग 3000 अनुयायियों तक बढ़ गया जो मिजोरम के बक्तावंग गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बक्तावंग गांव में रहते हैं। इस संप्रदाय के लोग बहुपतित्व प्रथा का पालन करते हैं। अब आइए बात करेंगे हम एप्पल डेली की। तो हाल ही में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र एप्पल डेली ने घोषणा की कि वह अपने अंतिम संस्करण का प्रिंट करेगा जब हांगकांग प्रशासन द्वारा एक व्यापक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग करके इसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। एप्पल डेली हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार माना जाता है। एप्पल जो है डेली हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक के रूप में माना जाता है इस अखबार को। यह अखबार हांगकांग और चीनी नेतृत्व का मुख्य आलोचक था। इस अखबार ने न केवल चीन की नीतियों की आलोचना की थी बल्कि हांगकांग में चीन के दमनकारी कार्यों को भी उजागर करने के काम किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामलला मंदिर के परसेप्शन में आप देखेंगे तो ये मस्जिद क्या भी इम्पोर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया जा रहा है, अयोध्या में ही प्रस्तावित मस्जिद का नाम जो है प्रस्तावित किया गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे प्रसिद्ध, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, इन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम रखा जाएगा जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रस्तावित है। चलिए इसके अब देखते हैं। पूरी परियोजना में एक मस्जिद, अस्पताल, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र और गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई शामिल है और यह फैजाबादी को समर्पित होगी जिनकी मृत्यु 1857 के विद्रोह में हुई थी। क्लियर है ना? 1857 के विद्रोह के बाद 2 साल से अधिक समय तक वह अवध ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। फैजाबादी को जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने नाना साहिब और खान बहादुर खान जैसे वीरों के साथ लड़ाई लड़ी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक में ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज ब्रूस मेलेसन और थॉमस सीटन ने बार बार फैजाबादी का जिक्र किया और उनकी बहादुरी और वीरता के बारे में बात की है। अब आते हैं फूल विरोध, फ्लोर प्रोटेस्ट क्या है। म्यांमार की
हिरासत में ली गई नेता आंग सान सू की के समर्थकों ने उनके 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 19 जून 2021 को अपने बालों में फूल पहने और सड़कों पर प्रदर्शन किया। ठीक है, क्या किया? अपने बालों में फूल लगाकर पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया जन्मदिन के अवसर, जो कि कहां के म्यांमार के हिरासत में लिया गया है, ली गई नेता आंग सान सू की के समर्थन में। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 के तख्ता पलट में सू की अपदस्थ होने के बाद से लगभग प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को म्यांमार में हथियारों के प्रवाह को रोकने का आह्वान किया और सेना से नवंबर के चुनाव में परिणामों का सम्मान करने और सू की सहित राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आग्रह किया था। दशकों से लोकतंत्र की लड़ाई के प्रतीक के रूप में सू की अक्सर अपने बालों में फूल लगाती रही है। सू की जापान के मास्टर्स चैंपियन मात्सुयामा को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। जापान के मास्टर्स चैंपियन मात्सुयामा को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। हाल ही में जापान के हिदेकी मात्सुयामा को प्रतिष्ठित मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2021 मास्टर्स टूर्नामेंट का 85वां संस्करण था और 2021 में आयोजित पुरुष की 4 प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप में से पहला था। 8 से 11 अप्रैल 2021 को जॉर्जिया के ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया था। हिदेकी मात्सुयामा का एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले पहले जापानी पुरुष गोल्फर बने और मास्टर्स जीतने वाले पहले एशियाई मूल के गोल्फर बन गए। उन्होंने विल जलाटोरिस को हराया। मात्सुयामा ने जापानी प्रधानमंत्री योशी हिदे सुगा से पुरस्कार प्राप्त किया। जापान के प्रधानमंत्री योशी हिदे सुगा से पुरस्कार को प्राप्त किया कौन? तो मात्सुयामा ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट हम लोगों का। तो अगला पॉइंट है हमारा तेग बहादुर जी की जो 400वीं जयंती मनाई गई है। तेग बहादुर जी का जन्म 1621 से 1675 में मृत्यु। एक इनकी जो टाइमलाइन रही है तेग बहादुर साहब की 1621 से 1675। 1 मई 2021 को देश भर में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां वेरी इंपॉर्टेंट 400वां प्रकाश पर्व जन्म शताब्दी मनाया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर गुरु हर गोविंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु हर किशन जी के निधन के बाद इन्हें 9वें गुरु बनाया गया था। याद रखिएगा 8वें गुरु कौन थे? हर किशन जी थे। उनके निधन के बाद इन्हें गुरु बनाया गया था। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और ये वहीं रहने लगे। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी, तेग बहादुर का मतलब क्या होता है? तलवार के धनी रख दिया। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धारण नहीं किया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल कराने को कहा तो गुरु साहेब ने कहा शीश कटा सकते हैं केस नहीं, मतलब अपने सर को कटाने के लिए तैयार थे लेकिन अपने केस को कटाने को तैयार नहीं थे। 8 दिनों की यातना के बाद गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काट कर शहीद कर दिया गया था, यानी चांदनी चौक पे ही उनका सरकलम सर काट दिया गया था। उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बनाया गया जिसे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। अपने त्याग और बलिदान के लिए वे सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। हिंद की चादर, कोई पूछे हिंद की चादर किन्हें कहा गया? तो हिंद की चादर कहा गया गुरु तेग बहादुर जी महाराज को। ठीक है, आइए अब देखते हैं माई ऑक्टोपस टीचर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है।
हाल ही में माय ऑक्टोपस टीचर, जो कि एक मानव ऑक्टोपस दोस्ती की हृदय स्पर्शी कहानी है, ने लॉस एंजलिस में आयोजित 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वितरित वेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर जीता है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो फिल्म का निर्देशन पिप्पा एरलिच और जेम्स रिड ने किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में भारतीय फिल्म निर्माता स्वाति थियागराजन एसोसिएट प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में जुड़ी थी। यह फिल्म निर्माता क्रेग फॉस्टर द्वारा एक दक्षिणी अफ्रीकी कैल्प जंगल में एक जंगली ऑक्टोपस के साथ में बिताए गए एक वर्ष का दस्तावेज है। अब देखते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में डेरेक चाउविन को 22.5 साल की सजा हुई है। वर्ष 2020 में मिनियापोलिस की एक सड़क पर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को 22.5 साल की सजा सुनाई गई। फ्लॉयड की मौत, उसकी भूमिका के लिए 45 वर्षीय चाउविन को हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। फ्लॉयड 46 वर्ष के हैं। 25 मई 2020 को पुलिस बल के साथ क्रूर दुर्व्यवहार में मारा गया था। चाउविन ने फ्लॉयड को अपने घुटने से दक्षिण मिनियापोलिस चौराहे के फुटपाथ पर 9 मिनट से अधिक तक नीचे दबाए रखा था, जिसमें कि उसकी सांस नहीं ले पा रहा, वो बोल रहा था, उनके अंतिम शब्द थे। इस घटना के बाद विश्व भर में ब्लैक लाइव मैटर्स नामक ट्रेन चालक विरोध प्रदर्शन किया गया था। ये बहुत करेंट, मतलब एक कंट्रोवर्सी रहा था ये बीच में, ये खबर जो कि मुझे वीडियो भी दिखाया गया था इसका, कि अपने घुटने से दबा कर गया था। उसी फ्लॉयड को, फ्लॉयड के मौत के मामले में डेरेक चाउविन को 22.5 साल की सजा हो गई है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसे एक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरी आपसे विनती है कि छोड़ छोड़ के आप ना देखें, जिससे आपको कुछ फायदा ना हो, इससे अच्छा आप ना देखें। देखें तो पूरे देखें और पूरे वीडियो को अच्छे से समझें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट करके बताएं आप लोग कैसा लगा और इसके लिए क्या करना है, ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चले, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ें।